Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जन गण मन जो आज भारत के राष्ट्र गान के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना भारत की स्वतंत्रता से 36 साल पहले हुई थी, वो भी एक बंगाली गीत भारतो भाग्यो विधाता के रूप में। सन 1942 में सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने इसे हिंदी में ढाल के अपना राष्ट्र गान बनाया। भारत के लिए एक राष्ट्र गान क्यों जरूरी था? जन गण मन में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे चुना गया? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम एपिकपीडिया के आज के इस वीडियो में पाएंगे। कवि, लेखक, संगीतकार और भारतीय समाज के एक जाने माने घटक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कई चेहरे थे। देश के पहले नोबेल लॉरेट ने ही वो गीत लिखा जो एक दिन हमारा राष्ट्र गान बन गया। भारत की आजादी और नई पहचान की घटना में टैगोर ने अपने कलम को अपना औजार बना लिया। अपनी रचनाओं से उन्होंने एक मॉडर्न, शिक्षित, आजाद और एकजुट भारत का सपना बुनकर देशवासियों की आंखों में भर दिया। 27 दिसंबर 1911 के दिन कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन हुआ था, जहां लोगों ने पहली बार ये गाना सुना, जन गण मन अधिनायक जय हे। ये गीत भारत की जनता के मनों के सम्राट और भाग्य विधाता को नमन करता है। गीत के बोल और उनमें गुथे हुए ब्रिटिश इंडिया के कई राज्यों के नाम की वजह से ये गीत देश के लोगों, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों पे छा गया। इस गीत के 3 दशक बाद सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया। 1942 में जब वो जर्मनी में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के जवानों को ब्रिटिश आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग दिला रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए और सब में एकता जगाए रखने के लिए एक देशभक्ति गीत की जरूरत है। INA के सिपाही NG गांवपुले, जिन्होंने नेताजी पे किताब भी लिखी है, उनका कहना है कि बर्लिन की उस मीटिंग में संजीदगी और जोश के साथ ये तर्क हुआ कि जन गण मन वही इस नए राष्ट्र के गान के लिए सबसे सही उम्मीदवार है। 11 सितंबर 1942 के रोज नेताजी ने जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑफ हैम्बर्ग का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर पहली बार भारत का ये लोकप्रिय गीत दुनिया के सामने उस देश की पहचान के रूप में गाया गया। राष्ट्रगान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नेताजी ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के 2 जनरल मुमताज हुसैन और कर्नल आबिद हसन सफरानी को इस गीत को हिंदी में पेश करने का काम दिया। 1943 में बने हिंदी ट्रांसलेशन शुभ सुख चैन को INA के कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने एक मिलिट्री बीट के साथ कंपोज किए। टैगोर के लिखे बंगाली गीत में 5 स्टैंजा थे, INA के हिंदी तराने में 3 और आज के ऑफिशियल नेशनल एंथम में 1 स्टैंजा है जो 52 सेकंड्स में गाया जाता है। अपने इस गीत को टैगोर ने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। 28 फरवरी 1919 को कलकत्ता के बाहर इसे पहली बार आंध्र प्रदेश के मदनापल्ले शहर के थियोसोफिकल कॉलेज में टैगोर ने खुद गाया था। 1944 में जहां भारत में आजादी और पहचान का अलग संघर्ष जारी था, ऐसे वक्त में बिमल रॉय ने अपनी बंगाली फिल्म उदयर पथे में भारतो भाग्यो विधाता को शामिल किया। 1945 में उन्होंने इसी कहानी को हिंदी फिल्म हम राही में फिल्माया और फिर एक बार टैगोर का वो बंगाली गीत बड़े पर्दे पर चला। आखिरकार जब देश आजाद हुआ तो इस नए देश को अंतरराष्ट्रीय अवसरों और उत्सवों पे पेश करने के लिए एक ऑफिशियल नेशनल एंथम की जरूरत पड़ी। विदेशी सरकारें और वहां की इंडियन एम्बेसीज उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछने लगी कि खास मौकों पे इंडिया की तरफ से कौन सा गीत बजाया जाए। अब एक ऐसा गीत चाहिए था जो कि इस नए नवेले आजाद और एकजुट भारत की पहचान बने।
25 अगस्त 1948 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जन गण मन को थोड़ी सी अलग धुन के साथ INA ने पहले ही साउथ ईस्ट एशिया में भारत का राष्ट्रगान बनाया था और भारत में भी ये गीत कुछ हद तक लोकप्रिय बन चुका है। और इस तरह आखिर 24 जनवरी 1950 के रोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के आखिरी सेशन में असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एंथम घोषित किया। जन गण मन में सभी भारतीयों को मिलाने की, हमें अपने मंसूबे याद दिलाने की और अपने देश के लिए मर मिटने का जोश जगाने की ताकत है। ये देश को बनाने वाले नेताओं की पूंजी है, हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक ऐसे देश के लिए जिसे खून पसीने से बनाया गया है और जो अपने मुकद्दर के लिए तैयार खड़ा है। रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया की इकलौती टाइगर ब्रीड है जो मैंग्रोव्स में रह सकती है। आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर? ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिकपीडिया के